बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी कर दी गई, घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी दे दी गई और वो शादी भी ज़्यादा सक्सेस नहीं रही। 4 ही साल में 4 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। उस हादसे से उभर ना पाई, एक अनुभव आया, एक एसिड अटैक जो मेरी ज़िंदगी को झिंझोड़ के रख दिया। 2010 में मुझ पे और मेरी 2 छोटी बहन और बहन की एक छोटी सी बेबी थी 1 ईयर की, उस पे भी एसिड अटैक कर दिया। और अटैकर कोई बाहर वाला नहीं था, मेरी सगी अपनी बड़ी बहन, उनके हस्बैंड, उनके बेटे ने हम 4 लोगों पे एसिड अटैक कर दिया। आज मैं दौलत भी खान आपके सामने मेरी कहानी कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि ये छींटों ने, एक एसिड की छींटों ने जो हमारी ज़िंदगी को कैसा बदल के रख दिया हमारी। और एक एसिड हम जो यूज़ करते हैं ज़मीन फ्लोर साफ करने में, दाग निकालने में, लेकिन मेरी बहन ने हमारी खूबसूरती निकालने के लिए ये एसिड अटैक यूज़ किया। हमारे 2010 में हम लोग 4 के 4 हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसमें भी हमको पैसे लगते थे, सर्जरीज के लिए पैसे लगते थे, डॉक्टर की फीस लगती थी। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम हमारी सर्जरी करवाए, हमारे पेरेंट्स भी नहीं थे, हमारा कोई बड़ा इंसान ही नहीं था जो हमारी मदद कर पाए। हमने अपना घर ही हॉस्पिटल में रहते रहते बेचा और उस पैसे से हमने 2 महीने हम चारों का इलाज कंटिन्यू किया, लेकिन पैसे ख़त्म होने के बाद हम घर में डिस्चार्ज लेके रात को 12 बजे ही आना पड़ा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। 6 महीना पेट की ज़िंदगी निकाला, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था कि हम कैसे सर्जरी, बदन इतना झिझोड़ता था, इतनी तकलीफ होती थी कि दवाई लेने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, इतनी तकलीफ होती थी कि हम सोच के भी आज भी हमारी रूह कांप जाती है। आज भी किसी पे ऐसे अटैक होता है तो बहुत तकलीफ होती है, वो दिन याद आता है, वो तकलीफ याद आती है हमको कि एक सस्ती सी चीज हमारी जिंदगी को कितनी झिझोड़ देती, बदल देती है। आज भी मुझे लोगों की आहटों से भी डर लगता है क्योंकि वो ऐसे अटैक मैं भूल नहीं सकती जब तक मेरी सांसें हैं। कैसे कैसे करके हमने वो दिन तो गुजार दिया। लोगों के पास मुझे, मैं ऐसे अटैक होने से पहले एक ब्यूटिशियन थी, लोगों को खूबसूरत बनाती थी। मैंने उस सुपरवाइजर को कॉल करती थी और बोलती थी मैम मुझे जॉब चाहिए, मुझे सर्जरीज कराना है, मेरे बच्चों की भूख मिटानी, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे सुपरवाइजर बोलते थे हमारी फील्ड ऐसी है, हम लोगों को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन आज वो चेहरा तुम्हारा इतना खराब हो गया कि लोगों को देख डरने के काम आ गया, लेकिन हम आपको जॉब नहीं दे सकते। बहुत बुरा लगता था सुन के। फिर मजबूरी से उठ के मैं लोगों के पास मेट की जॉब मांगने जाती थी कि मुझे जॉब दे दो। उन लोग मेरा चेहरा देख के डर जाते थे, मुंह पे चेहरा बंद करते, हमारे बच्चे डर जाएंगे, आपका चेहरा लेके जाओ, एकदम भूत के जैसा चेहरा, ऐसे बोलते। बहुत बुरा लगता था, बहुत रोते थे और क्या करें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था कि आगे सर्जरी कर पाऊंगी मैं अपने चेहरे की। हमने कितने लोगों के पास मदद मांगी कि हमारी सर्जरी करा दो, हमारे सर्जरी करा, हमको काम करना है, लेकिन किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तभी मैंने सोचा क्यों मैं लोगों से मदद मांगू, इतना टाइम फेस करूं, मेरा चेहरा जला, लेकिन मेरी साहस नहीं। आज अगर मैं हार मान के बैठ जाऊंगी अपने घर पे, जिसने ये एसिड अटैक किया उनकी तो खुशियां होंगी, उनको खुश सेलिब्रेट करेंगे कि वो जो चाहते थे कि मैं वो काबिल हो, जो मैं घर से नहीं निकल पाऊँ, मुझे बंद कमरे में रहने पे मजबूर कर दे, तो उनकी जीत होती थी। लेकिन मुझे उनको वो जिताना नहीं था, उनको मुझे दिखाना था कि तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया तो क्या हुआ, मैं आज भी खूबसूरत हूँ और मैं वही जिंदगी जीऊंगी जो मैं पहले जीती थी, जैसे मैं पहले लोगों के सामने प्रेजेंट होती थी, आगे भी मैं हूँगी। तो मुझे ये एसिड अटैक कमजोर नहीं बनाया, मुझे ये एसिड अटैक से मुझे और मजबूत साहस पैदा कर दिया अपने अंदर लड़ने और दूसरों की मदद करने के लिए कि आज मैं जो जिंदगी जी रही हूँ, जिस पे भी एसिड अटैक हुआ है वो कोई भी ये जिंदगी ना जिए, उनको वो
और हमारा क्या कसूर है? हम क्यों घर में मुंह ढक के बैठे? क्यों नहीं हम लोगों के सामने आए? हम आएंगे, हमारा कुछ कसूर नहीं है। और मैं यही विक्टिमों से मिलती थी, उनको मैं पता थी जो मेरी तकलीफ, उनसे भी ज्यादा उनकी बुरी हालतें थी। वो इतने डरे डरे रहते थे, बाहर निकलने के लिए डरते थे। उनको मैं यही बोलती थी कि हमारा कोई कसूर नहीं है, आप आज भी ब्यूटी है, आप ब्यूटी है, विक्टिम नहीं, विक्टर हो। आपके अंदर वो पावर है जो एसिड अटैक को हम झेल लिए कि हम लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का क्यों नहीं कर पाएंगे? जब एसिड अटैक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम लोगों की नफरत भरी आंखें भी हम बर्दाश्त कर पाएंगे। बाहर निकलो, छुपके मत रहो, लोग आपको दबा देंगे, डरने पे मजबूर कर देंगे, घर में बिठाने पे मजबूर कर देंगे, तो उनमें साहस पैदा करती। फिर उन्हीं को लेके मैंने एक एनजीओ फॉर्म किया 2016 में, जिसका नाम है एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन। और वही चीज़ से अभी तक हमने 42 लोगों की मदद की, और उसकी सर्जरीज कराते, हम विक्टिम्स की सर्जरीज कराते हैं, उनको फिनेंशियल मदद करते हैं, मेडिसिन की मदद करते हैं, एडुकेशन की मदद करते हैं, लीगली हेल्प करते हैं। और हमारा एक चैलेंज है उनको एम्पावर बनाना, उनको जॉब देना। जैसे लोग मुझे जॉब नहीं देते, मेरे चेहरे को देख के मुझे बोलते हैं कि आप भूत दिख रहे हैं, आपका चेहरा भयंकर दिख रहा है, मुझे वही चीज़ों को लोगों को दिखाना है कि हमारा चेहरा खराब हुआ है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं, हमारी हिम्मत आज भी वही है, लोगों को दिखाना था। इसीलिए हम लड़ेंगे अपने आप से, हमारी उड़ान, हम उड़ के ही रहेंगे, हम डर के नहीं बैठेंगे। 2017 में शाहरुख जी का एक बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया था ऐसे सर्वाइवर्स को लेके। बहुत हमको खुशी मिली कि जो बादशाह, जो इंडस्ट्री का बादशाह किंग खान है, उन्होंने हमको हिम्मत दी, हमारी खूबसूरती को तहासा, उन्होंने हमको अपना टाइम दिया, और बर्थडे में हमको बहुत सारे ये दिए, साहस दिए कि हम आज भी ब्यूटी है। फिर हमने एक रैंप वॉक भी किया मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ। बहुत ही हमको खुशी, गर्व महसूस हुआ कि एक यूनिवर्स के साथ हमने रैंप वॉक किया। हम भी खूबसूरत है, हम बदसूरत नहीं है। लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज गया ये कि एसिड अटैक हो जाने से हम ये नहीं, लोग बहुत लोग हमसे डरते भी हैं, बहुत लोग हमारी मदद भी करते हैं। और जैसे कि ये हम एनजीओ अकेले ही नहीं, लोगों की मदद से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं, कुछ लोगों ने हमको मदद करे है, तो ही आज मैंने लोगों को टाइमो टाइम से उनकी सर्जरीज की मदद पाई कर पाई हूँ, या उनको राशन की हो या मेडिसिन की हो मदद कर पाई हूँ। जैसे CSR एक फंड होता है कि उससे हमारी मदद नहीं हो पाती, उससे चीज़ें नहीं, हमारी ये है कि हम और अच्छे से अच्छा सर्वाइवर्स को कर पाए, उनकी मदद टाइम टू टाइम। जैसे सर्जरीज, एक सर्जरीज नहीं होती हमारी कि एक सर्जरी हो गई या हमारे जख्म भर गए हम ठीक हो गए, और हमारी बहुत मतलब इंजुरीज पे डिपेंड होती है, डिपेंड ऑन आपकी कभी 10 सर्जरीज होती है, कभी 20 होती है, कभी 40 से भी ज़्यादा सर्जरीज होती है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप सालों साल हमारी सर्जरी चलती है। सोचिए हमारे तकलीफ, हमको कितनी तकलीफ होती है वो सर्जरी कराने, एक सर्जरी कराने जाओ तो हिम्मत चाहिए होती है, और ऐसे ही हम सालों साल हमारी सर्जरी चलती है। और जब लोगों का, किसी का, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, बहुत बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं यही सब सर्वाइवर्स को बोलती हूँ कि आपके अंदर वो ताकत है, वो पावर है, वो एम्पावर है कि हम लोगों को दिखा पाए कि हमारे अंदर वो है, हम कर पाएंगे, हमारी उड़ान, हम उड़ पाएंगे। तो ये अपील करती हूँ सर्वाइवर्स को, एसिड अटैक हो जाता है तो आप घर में मत बैठिए, आप लोगों के सामने आइए, समाज के सामने आइए, और अपनी लड़ाई खुद लड़िए, और दिखाइए कि आप एसिड अटैक होने से आप घर में नहीं बैठोगे। जो एसिड अटैक करा है उनको खुद को अपने घर में बैठना पड़ेगा। हम क्यों बैठे? आपकी वजह से हम कभी हार नहीं मानेंगे। इसीलिए मैंने रिसेंटली, एक 2 महीने पहले ही, हमने एक मिनी सुपरमार्केट ऑल इन वन के नाम से हमने मिनी सुपरमार्केट लाया है। लोगों को, ऐसे विक्टिम्स को मैंने एम्पावर करने का ये प्लान आया है कि आप जो चेहरे सोसाइटी वाले देखना नहीं चाहते, जो लोग हमारे
साथ खन्ना नहीं चाहते, हम उनके साथ उनकी मदद करके कितनी हमको खुशी होती है हमको दिखाना था, इसीलिए हमने ये ऑल इन वन मिनी सुपरमार्केट डाला है, जिससे हम लोगों को टाइमो टाइम से उनको होम डिलीवरी देते, उनको ग्रोसरी की मदद कर पाते हैं, और हमारी आगे भी हमारी ये होगी कोशिश कि हम सर्वाइवर्स को उनकी बेस्ट टू बेस्ट हम मदद कर पाए और लोगों को एक अवेयरनेस के लिए कर पाए। और हम आपसे सबसे यही अपील करते हैं, ऐसी अटैक हो जाता है तो प्लीज हमारी मदद कीजिए, उसको धिक्कारिए मत, जरूरी नहीं आप पैसों से मदद कर पाओ, थोड़ी सी आप अपनी हिम्मत उनकी मोहब्बत पे आप शेयर कर पाओगे, अपनी मोहब्बत भी दे पाओगे तो हमारे लिए काफी है, वही चीज भी हम जी पाएंगे, हमारी उनकी एसिड अटैक होने से हमारी जिंदगी की साहस खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, हम लोग जीना चाहते, हम लोग आगे बढ़ना चाहते, हम और कुछ करना चाहते, हमारे बहुत सारी ड्रीम्स है हम पूरी करना चाहते, लेकिन हम सबके साथ मिलके करेंगे। हमारे जितने भी एसिड विक्टर्स है उनसे मैं अपील करती हूँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़ के आप आगे आइए, चेहरे को बांध के डर के मत बैठिए, और लोगों को दिखाइए कि एसिड अटैक होने से हमारी ताकत कमजोर नहीं हुई, वहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई, वहां से हमारी तकलीफ शुरू होती है, वहां से हमारा संघर्ष शुरू होता है, और हम जी के हम ऐसी विक्टिम नहीं विक्टर है, ये लोगों को हमको दिखाना है हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर है। बस थैंक यू सो मच।